भारत के प्रधानमंत्री मोदी जब G20 सम्मेलन में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिलते हैं तो उसके साइड इफेक्ट इंडिया में शुरू हो जाते हैं। बड़े स्तर के ऊपर ये चर्चा शुरू हो जाती है कि जिस राजा और सिंहासन के प्रति नेहरू जी ने शपथ ली थी उसी राजा और सिंहासन के प्रति ऋषि सुनक ने भी शपथ ली है। ये बात इतनी बढ़ जाती है कि नेहरू जी के पड़दोते यानी कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो भी महाराष्ट्र के अंदर कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों के लिए एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने माफीनामा का उल्लेख किया हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि नेहरू ने जो पहली शपथ ली थी वो अंग्रेज के राजा यानी कि जॉर्ज छठे के नाम पर ली थी और उनके प्रति पूरी जिंदगी वफादार रहने और सिंहासन के प्रति वफादार रहने की शपथ ली थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज का जब गठन किया गया उसको इतना भारी समर्थन मिला भारत की तरफ से और साथ ही के अंदर उन देशों की तरफ से जहां पर भारतीय रहा करते थे कि अंग्रेजों की आंखें खुल गई। अंग्रेजी शासन जो एक समय में पूरे 65 देशों के ऊपर राज किया करता था धीरे धीरे वो हर एक देश से हटने लगा। 1946 में जॉर्डन को स्वतंत्रता देने के बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत को भी अधिराज्य यानी कि डोमिनियन बनाने की घोषणा कर दी जाती है। 1948 में म्यांमार, उसके बाद श्रीलंका, लीबिया, सूडान और मलेशिया को भी धीरे धीरे करके आजाद कर दिया जाता है। मगर अंग्रेजों का सबसे बड़ा जो प्यार था वो भारत था क्योंकि भारत के अंदर अकूत संपत्ति थी और भारत के ऊपर वो कैसे न कैसे अपना प्रभाव रखना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगा कि देर सबेर भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती जा रही है जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा स्तंभ वीर सावरकर भी थे वो धीरे धीरे उनके राज्यों को ध्वस्त कर देगी। अंग्रेजी हुकूमत के हिसाब से जो कि वो लिखते भी हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि भारत के अंदर जो आज तक सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी भारत ने पैदा किया था उसका नाम था सावरकर। उनका यह मानना था कि यह आदमी हर तरीके की तिगड़म जानता है और साथ ही के अंदर लोगों को भड़का रहा है अंग्रेजों के खिलाफ। इससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है, कानून का जानकार यह है, लोगों के अंदर इसकी अच्छी पैठ है। छोटी मोटी साधारण जेलें जहां पर सुविधाएं भी मिला करती थी राजनीतिक बंदियों को, उसके बजाय सावरकर को अंडमान के अंदर सेलुलर जेल के अंदर भेजा जाता है। मगर वीर सावरकर का जैसा नाम था वैसा ही उनका काम था। उनको सब प्रकार की तिगड़म आती थी, कानूनी दांव पेच आते थे और उन्होंने कोई भी कानूनी दांव पेच नहीं छोड़ा कि वो जेल से बाहर निकल के और दोबारा से अंग्रेजों के खिलाफ अपना मोर्चा बुलंद कर सकें। इसी के बीच में सामने आता है कि वीर सावरकर अपने वकील के द्वारा एक मर्सी पेटिशन को दायर करते हैं कि वो चाहते थे कि यहां से बाहर निकलें और बाहर निकलने के बाद में हर जगह से इंडियंस को इकट्ठा करके और यहां पर मोर्चा बुलंद करें। वीर सावरकर जो काम करना चाहते थे उसको आगे बढ़ाया सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि अंग्रेजों से बचकर एक बार जो बाहर निकले उसके बाद में उनको कोई अंग्रेज पकड़ नहीं पाया। जिस प्रकार से सावरकर की सोच थी उसी प्रकार से आजाद हिंद फौज का गठन करना और जितने भी भारतीय ट्रूप्स भारत के बाहर अलग अलग अंग्रेजों ने तैनात कर रखे थे उनके अंदर राष्ट्रवाद को तैयार करके वापस अपना हक वापस लेने के लिए आजाद हिंद फौज आ जाती है। 1945 के अंदर एक और बड़ी घटना होती है और यह होता है कि अमरीका द्वारा जापान के अंदर दो बड़े बम बरसा दिए जाते हैं जिसके बाद में जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। मगर वो जो तारीख थी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आजाद हिंद फौज के पीछे जापान का बहुत बड़ा हाथ था और वो सपोर्ट कर रहा था और वो जो आजाद हिंद फौज थी अंग्रेजों के लिए वो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी जो कि वीर सावरकर के बाद में आई थी। माउंटबेटन को ये कहा जाता है कि इस समय भारत के अंदर राष्ट्रवाद इतना बढ़ चुका है कि अब हमें जाकर इसको आजाद करना ही पड़ेगा। कई सारे क्रांतिकारियों के कई कारनामे हर पूरी जनता के अंदर फैले हुए थे। जिस दिन जापान ने आत्मसमर्पण किया था यानी कि 15 अगस्त 1945 उसके ठीक 2 साल बाद में माउंटबेटन अपने इंटरव्यू के अंदर भी बताते हैं कि मैंने खासकर वही दिन चुना भारत को अपना अधिराज्य घोषित करने के लिए। वीर सावरकर की जो विचारधारा थी जिसको लेकर सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़ रहे थे उसके लिए जापान साथ में आया था और ये जो 3 बड़े स्तंभ थे ये भारत की आजादी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। केवल आंदोलन और अहिंसा ने स्वतंत्रता नहीं दिलाई थी, अगर ये दिलाती तो 65 अलग देशों के अंदर आखिर कौन अहिंसा का आंदोलन कर रहा था ये बताइए। भारत के अंदर किंग जॉर्ज का जो दरबार था, किंग जॉर्ज को कैसरे हिंद कहा जाता था और उनके सिंहासन के नीचे माउंटबेटन और ओहदे के अंदर उनके भी नीचे आते थे नेहरू। माउंटबेटन ने जो शपथ ली थी ठीक वही शपथ नेहरू ने भी ली थी और माउंटबेटन की पूरी शपथ आप आराम से ढूंढकर सुन सकते हैं।
हैं। तो यहां पर यह बात बिल्कुल ठीक है और यह बहुत ही अजीब संयोग भी है कि जो शपथ के अंदर लिखा हुआ था वही का वही जो नेहरू ने पढ़ा था वही का वही आज के समय ऋषि सुनक ने पढ़ा है। और अगर पिछले 75 साल के अंदर इस प्रकार का संयोग आता तो उसके अंदर राजा की जगह रानी का जिक्र होता। 1950 के बाद में जब भारत का संविधान लिखा गया उसके बाद में भारत अंग्रेजों का अधिराज्य यानी कि डोमिनियन नहीं रहा, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हुआ। यही स्वतंत्रता को पाने के लिए कई सारे क्रांतिकारियों ने जेलें तोड़ी, अंग्रेजों से भागे और उन्होंने कई सारे कानूनी दांव पेचों का भी इस्तेमाल किया, मगर उन कानूनी दांव पेचों को उनकी कमजोरी या कहीं से जेल तोड़कर भागना को उनका अपराध बताने वाले महामूर्ख हैं। अपने जीवन काल में नेहरू जी ने 2 बार शपथ ली। पहली शपथ उन्होंने ली थी अंग्रेजी सिंहासन के लिए, अंग्रेजी राजा के लिए, और दूसरी शपथ उन्होंने ली थी भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए। और ये दोनों की दोनों शपथ नेहरू जी ने अंतिम समय तक तोड़ी नहीं। जापान आज भी हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और वो इसीलिए क्योंकि उसके बीच में और भारत के बीच में सबसे बड़ी जो कड़ी थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और साथ ही के अंदर कहीं ना कहीं वीर सावरकर थे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।